ओके गाइस, तो आ चुका है यहाँ पर 2021 का सीजन, नया साल। और जैसा कि आपको पता ही है यार ऑलरेडी, तो दोस्तों इस 2021 में अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो, एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो यूट्यूब पर आकर, तो ये वीडियो भैया ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो। तो जितने भी सवाल हैं आपके, सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो बस यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट तक बस आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, या फिर इंस्टाग्राम आईडी भी आपके लिए ही ओपन कर रखा है मैंने, ठीक है। फटाफट से जाना और पूछ डालना। चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ इन 10 पॉइंट्स को लेकर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो कि अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी। आप चाहें तो एक बार में ही इन 10 पॉइंट को वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट बिगिन। तो गाइज यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्ट और नॉट। पहली बात तो हमें ये ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें यूट्यूब को स्टार्ट करना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इस डिसीजन को नहीं ले पाए तो फिर आगे तो सोचना गलत है यार, क्योंकि अगर हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया तो फिर आगे सोच के यार क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें YouTube स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो गाइज इसका सीधा सीधा अगर मैं जवाब दूँ या फिर अगर जवाब देना चाहूँ मैं, तो उसका जवाब मैं यही दूंगा कि यस आपको स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपका नॉलेज है शेयर करो यार, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और आपकी भी नॉलेज स्ट्रांग होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो फटाफट से आ जाओ यार YouTube पर और शेयर करो जो भी आपके अंदर नॉलेज है। अब गाइस बस YouTube पर आने से ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं, बहुत सारी फैक्टर डिपेंड्स करती हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले यार एक नई ऊर्जा लेकर आओ अपने माइंड सेट में, एक नई मोटिवेशन लेकर आओ कि हाँ भैया मुझे YouTube स्टार्ट करना है। जितना भी दिन का समय निकलेगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसको हमें YouTube पर देना है, डेली कॉन्स्टेंट तरीके से कंटिन्यू देना है। तो पहला पॉइंट तो भैया क्लियर हो चुका है आई होप। चलिए गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो चीज़ हमारा यूट्यूब इन 2021। अब गाइज इसका अगर मैं सीधा सीधा जवाब दूँ तो भैया 2021 आ चुका है, और अभी भी अगर आपको वीडियो क्रिएटिंग, वीडियो मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो फिर आप थोड़े पीछे रह चुके हो, थोड़ा सा पीछे आप रह गए हो, क्योंकि 2021 आ चुका है और यार वीडियो मार्केटिंग का जो रिवोल्यूशन है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और फ्यूचर में आपको वीडियो मार्केटिंग और वीडियो क्रिएटिंग का बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और सिर्फ ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स से आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने भी यही कह रखा है। और आप खुद चेक कर लो यार, यूट्यूब को चेक करो या फिर और भी वीडियो प्लेटफॉर्म चेक करो, कि वीडियो का जो मार्केटिंग, वीडियो के थ्रू जो मार्केटिंग करने का माध्यम है, ये बहुत ज़्यादा विकसित होता जा रहा है, धीरे धीरे होता ही होता जा रहा है। तो वो कहते हैं ना यार कि बहती गंगा में डुबकी जरूर से लगानी चाहिए, तो आप भी लगाओ। तो YouTube इन 2021 इसका अगर मैं जवाब दूँ तो भैया जरूर आओ और जरूर से जरूर शुरू करो, क्योंकि 2021 में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आने वाली है वीडियो क्रिएटिंग और वीडियो मार्केटिंग के फील्ड में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना भी चैनल क्रिएट कर लें। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा हाउ टू स्टार्ट। भैया डिसीजन ले लिया 2021 के बारे में, जान भी लिया यूट्यूब का क्रेज बढ़ने वाला है, स्टार्ट कैसे करें। अब देखो गाइज स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास एक मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए। मोबाइल फ़ोन होने के बाद वहाँ पर आपको एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर आप अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सके। अब जब आप जीमेल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी, आपको 2-step वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में, उस चैनल का फ्यूचर को आपको देखना है, तो कुछ सिक्योरिटी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। वो ईमेल आईडी आपको कहीं शेयर नहीं करना है, कुछ छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब उसके बाद चैनल का लोगो सेट करना है, आपको बैनर सेट करना है। लोगो बैनर कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे जाऊंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वीडियोज अपलोड करना है, आप कैसे करना है अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेसिकली आराम से स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब को। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है हमारा यूट्यूब कॉम्पिटिशन इन 2021। अब देखो यार जब इसका क्रेज़ बढ़ा है तो कंपटीशन भी बढ़ा है, आई नो, एंड मुझे पता है कि आप भी जानते हो कि कंपटीशन बढ़ चुका है। 2021 में बहुत सारे चैनल्स बन रहे हैं। अब कंपटीशन को अगर आपको ध्यान से समझना है तो मैं आपको बता दूं, देखिए गाइस मान के चलिए एक दिन में 100 चैनल क्रिएट होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए एक दिन में 100 चैनल क्रिएट होते हैं, तो उन 100 चैनल में से 50% यानी कि 50 चैनल तो ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए स्टार्ट करता है कि हाँ चलो यार ये बंदा भी वीडियो आज अपलोड करता है, चलो मैं भी वीडियोस अपलोड करके देखता हूँ और पैसे कमाता हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड काम है यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना। आसान तो भैया बिल्कुल भी मत समझना, इस चीज़ का भूल मत करना। और ये भूल करके कि आसान है वीडियो चलिए ऐसे ही क्रिएट कर दे बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लानिंग मत आना यूट्यूब पर। तो प्लानिंग के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 50% तो माइनस हो गए, बचे 50%। तो उन 50% में से कुछ जो यूट्यूबर होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद। तो मान के चलिए उन 50% में से और 50% गए, यानी आपके पास बचे 25 बंदे। तो उन 25 बंदे में कुछ मान के चलिए 5 बंदे बहुत रिच कैटेगरी के हैं, जिनके पास गुड क्वालिटी माइक्स है, गुड क्वालिटी कैमराज है, तो वो भैया कहीं ना कहीं आगे जाएंगे। बट उनके पास अगर नॉलेज की कमी है तो फिर भी वो आगे ना जा पाएंगे। अब बचे हमारे पास गाइस यहाँ पर 20 बंदे। अब 20 बंदे में कंपटीशन रहेगा, तो इस प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हो कि 100% में से 15-20% ही आपका कंपटीशन है, अगर आप सही रूप से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा टॉपिक फॉर यूट्यूब चैनल। अब भैया चैनल क्रिएट हमने करना का सोच लिया है 2021 में, यूट्यूब कंपटीशन को भी समझ लिया है, कंटेंट हमारे पास है, अब किस प्रकार की टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग कॉन्टेंट अपलोड करें। अब ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता कि आपका किस कैटेगरी पर इंटरेस्ट है। अब देखिए गाइस टॉपिक फॉर यूट्यूब चैनल अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बहुत बड़ा टॉपिक आता है, वो है पहला वॉइस ओवर, दूसरा फेस कैम। अब फेस कैम जो वीडियो है जो मैं अभी बना रहा हूँ ये बेसिकली फेस कैम है, और जो आप फैक्ट वीडियो या फिर मिस्टीरियस वीडियोज देखते हो वो बेसिकली वॉइस ओवर वीडियो है। इस पर शायद से मैंने वीडियो बना रखी है, अगर बनाई होगी तो आई बटन में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे जाऊंगा। तो वॉइस ओवर वीडियो में बेसिकली आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम फेस कैम की, तो फेस कैम में आपको कैमरा में और साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गई गाइस बेसिक चीज मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से आप टॉपिक ढूंढ सकते हो, मेजर टॉपिक जो मैंने दो बताया। और एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 2021 में कि आपको माइक्रो नीच पर काम करनी है, माइक्रो नीच पर। अब ऐसा नहीं है कि टेक कैटेगरी पर मुझे वीडियो बनाना है तो टेक कैटेगरी मैंने पकड़ लिया, कभी मोबाइल फ़ोन की रिव्यू कर रहा हूँ, कभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कभी वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ, कभी वीडियो क्रिएटिंग सिखा रहा हूँ, कभी शूटिंग सिखा रहा हूँ, कभी कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ, कभी मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, कभी गेम्स के बारे में बता रहा हूँ, यार ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, छोड़ दो। 2021 में आप सिंपल से माइक्रो निच पर काम कर सकते हो। मान के चलिए आपका इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन को पकड़ो। एडिटिंग पे इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की एडिटिंग को पकड़ो या फिर सॉफ्टवेयर की एडिटिंग को पकड़ो। इस प्रकार से आप माइक्रो निच पर काम कर सकते हो। निच बेसिकली स्टैंड फॉर द टॉपिक। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करें यहाँ पर टॉपिक की, तो वो है हमारा हाउ टू ग्रो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। स्टार्ट तो हमने करने का सोच लिया है, स्टार्ट भी कर दिए हैं, कंटेंट भी सोच लिया है, टॉपिक भी सोचा, अब ग्रो क्या होगा और कैसे होगा। अब देखिए गाइस चैनल को ग्रो करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो तरीका है, पहला जेन्युइन तरीका। अब जेन्युइन में भी दो तरीका है, पहला पेड और दूसरा फ्री। आप अपने
अब देखिए जेन्युइन तरीका में पेड और फ्री, इसको मैं अगर बताऊं तो इसमें दोनों में ही पेड आप कराओ ग्रो या फिर फ्री कराओ, कंटेंट में आपका पावर होना चाहिए। और पेड में आपको पैसे लगेंगे तो जल्दी ग्रो होगा, फ्री में समय लगेगा मगर ग्रो जरूर होगा। तो कंटेंट पर आपको ध्यान देना है जेन्युइन तरीके से अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो, और फिर एक जेन्युइन अगर आप तरीके से ग्रो नहीं करना चाहते हो तो वो भी बेसिकली तरीका है यूट्यूब पर, तो इस पर कभी और वीडियोस जरूर बना देंगे, ठीक है। तो हाउ टू ग्रो, बेसिकली अगर आप पेड प्रमोशन कराना चाहते हो या फिर पेड गूगल एड्स की मदद से कराना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर बहुत ही स्पेशल वीडियो आ जाएगी। अगर आप फ्री में अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो जेन्युइन तरीके से तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। चलिए गाइज नेक्स्ट टॉपिक की वो बात करें हम, वो है चैनल मोनेटाइजेशन। अब क्या हम पैसे कमा पाएंगे, तो मेन जरिया है चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर कि चैनल हमारा मोनेटाइज होना चाहिए। अब चैनल मोनेटाइज करने से पहले गाइज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ कभी भी वर्क नहीं करना है। हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आपको ना आ रहा हो, बट जब आप रिव्यू में अपने चैनल को मेहनत करने के बाद भेजोगे तो उस वक्त रिव्यू के समय आपका चैनल रिव्यू नहीं होगा और उसी वक्त आपका मोनेटाइजेशन डिनाई कर दिया जा सकता है। तो गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं काम करना, जेन्युइन तरीके से वर्क करना है, तो इस चीज का काफी ज्यादा आपको ख्याल रखना है। गाइज नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है हमारा अर्निंग सेक्शन। तो गाइज जब यहाँ पर बात आती है अर्निंग की, तो यहाँ पर मेन यूट्यूब का अर्निंग देखा जाए तो वो होता है चैनल जब मोनेटाइज होता है तो वहाँ पर आपको मेन जो अर्निंग का सोर्स मिलता है वो है यूट्यूब एड्स। अब यूट्यूब एड्स देखा जाए तो मेन यहाँ पर अर्निंग होती है, अर्निंग का जो तरीका होता है, ठीक है, अर्निंग का जो तरीका होता है बेसिकली मेन वो होता है यहाँ पर आपका गूगल एड्स, जो कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद होता है। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इनेबल होती है, लाइक आपका ज्वाइन बटन भी इनेबल होता है शायद 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका सुपर चैट इनेबल होता है जिससे भी आपकी अर्निंग होती है लाइव स्ट्रीम में। और दोस्तों और भी अर्निंग सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपका स्पॉन्सरशिप है, एफिलिएट मार्केटिंग है, रिव्यू यूनिट आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। अगर मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। तो बस एक बार आपको चैनल को ग्रो करना है, चैनल मोनेटाइज करना है, बेसिकली एक ब्रांड वैल्यू बनाना है अपना चैनल को, उसके बाद भैया पैसे की तो कमी नहीं होने वाली है, आपको बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो आप गाइज। चलिए नंबर 9 हम बात करें, जो टॉपिक है वो है हमारा वे या फिर टाइप ऑफ चैनल, वे और लाइक टाइप ऑफ चैनल। तो नंबर 5 में जो मैंने एक टॉपिक आपको बताया था टॉपिक फॉर यूट्यूब चैनल, वो एक बेसिकली टॉपिक था माइक्रो नीच के ऊपर कि माइक्रो नीच आपको चूज करना है। और ये जो वे और टाइप ऑफ चैनल है ये मैंने उसी में कवर कर दिया, सॉरी गाइज। तो वे और टाइप ऑफ चैनल बेसिकली ये वॉइस ओवर और फेस कैम है जो कि मैंने बता दिया है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है। अब बात करें दोस्तों नंबर 10 टॉपिक की, वो है हमारा फ्यूचर। अब ये सारी चीज़ें कर ली गाइज, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच भी लिया, स्टार्ट कर भी दिया, यूट्यूब 2021 में स्टार्ट किया है हमने, साथ ही साथ कैसे स्टार्ट किया जाता है इससे समझ कर हमने स्टार्ट कर दिया, कॉम्पिटिशन को भी समझा और माइक्रो नीच भी चूज कर लिया, चैनल को ग्रो करने के कुछ तरीके भी आजमा लिए और थोड़ा बहुत ग्रो भी कर लिया, चैनल मोनेटाइजेशन के जो कगार होता है उस पर आ भी गया है चैनल, भले मोनेटाइज नहीं हुआ लेकिन उस वे, वो जो हाईवे है उसको पकड़ लिया है, साथ ही साथ अर्निंग भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है लाइक स्पॉन्सरशिप वगैरह से, रेफर एंड अर्न वगैरह से। साथ ही साथ यहाँ पर टाइप ऑफ चैनल, तो किस टाइप का बेसिकली हमारा चैनल है उसको हमने यहाँ पर चूज भी कर लिया है कि यही हमारा मेन थीम है चैनल का, ये भी चूज कर लिया और पूरा कंटिन्यू है चैनल पर। अब इसका क्या फ्यूचर है, तो गाइज मैं कहना चाहूँगा कि यस फ्यूचर है, जैसा कि मैंने नंबर 1 और 2 में ही आपको डिस्कस कर दिया कि भैया वीडियो मार्केटिंग और वीडियो क्रिएटिंग का बहुत बड़ा क्रेज होने वाला है, एक आप सोच सकते हो रिवोल्यूशन टाइप का आने वाला है आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में। तो जितना हो सके वीडियो क्रिएटिंग वीडियो मार्केटिंग में आप सीखो, स्किल्स बढ़ाओ, वीडियो एडिटिंग में स्किल्स बढ़ाओ, वीडियो क्रिएटिंग में स्किल्स बढ़ाओ, और भी सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, SEO वगैरह, ये सब चीज़ों में आप स्किल्स बढ़ाओ ताकि इसकी डिमांड हो तो आप हाजिर हो पाओ और बहती गंगा में डुबकी लगा पाओ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो क्रिएटिंग वीडियो एडिटिंग इन सारी स्किल्स से रिलेटेड अगर आप भी लर्न करना चाहते हो
तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली हम हाउ टू क्रिएट वीडियो और हाउ टू एडिट वीडियो से रिलेटेड जितनी भी यूट्यूब में टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम गाइज, लेना चाहूँगा आपसे विदाई, और आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके गाइज, चलिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।